बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन की परमाणु धमकी के बाद अब अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक विमान की आइसलैंड में तैनाती कर दी है। अमेरिका का ये प्लेन डूम्सडे प्लेन के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका के नेटो देशों में परमाणु वॉरहेड से लेस मिसाइलों की तैनाती के बाद अब आइसलैंड में E6 मर्करी प्लेन तैनात किया गया है। मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर आइसलैंड में परमाणु युद्ध की बाइडेन वाली सबसे बड़ी प्लानिंग चल रही है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने तस्वीर के जरिए पुतिन को खुलेआम चैलेंज किया है कि अगर एटमी दांत से यूक्रेन को काटने का इरादा नहीं बदला तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि उसका भी डूम्सडे प्लान रेडी है। यकीन नहीं होता तो इस वॉर प्लान को देख लीजिए। इसकी डिटेल देख लीजिए, आपके होश उड़ जाएंगे। अमेरिका ने महायुद्ध के दौरान कभी भी इस लेवल का प्लान कहीं लैंड नहीं किया है। सवाल है, फिर ऐसा क्या हो गया कि 24 फरवरी यानी युद्ध के एक साल पूरा होते ही अमेरिका ने अपने सबसे बड़ा युद्धक विमान आइसलैंड रवाना कर दिया। इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस प्लान का विवरण देख लीजिए। असल में दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स को यह डर सता रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है। रूस लगातार परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है, लिहाजा अमेरिका ने भी यूरोप में महाविनाशक परमाणु बमों की तैनाती करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इसका सबूत है अमेरिका के महाविनाश लाने वाले सीक्रेट प्लान E6B मर्करी की आइसलैंड में तैनाती। इस अत्याधुनिक विमान की मदद से अमेरिका दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला करने का आदेश दे सकता है। ये अमेरिका का सबसे खतरनाक विमान है। इसे अमेरिका का फ्लाइंग न्यूक्लियर कमांड सेंटर कहते हैं। ये एक तरह का एयरबॉर्न कमांड पोस्ट होता है जो इस तरह से बनाया गया है कि उससे परमाणु हमला किया जा सकता है। E6B मर्करी प्लेन सबमरीन को ये एटम बम दागने का कमांड दे सकता है। अगर दुश्मन परमाणु हमला करता है तो ये प्लेन उससे आसानी से बच निकलता है। इस महातबाही लाने वाले प्लेन का निर्माण शीत युद्ध के समय किया गया था। अगर अमेरिका को किसी जगह पर परमाणु हमला करना है तो वो इस सीक्रेट प्लेन को संदेश भेजेगा। इसके बाद ये प्लेन संदेश को अमेरिका की परमाणु सेना को भेजेगा। अमेरिका की जमीन पर बनाए गए मिसाइल साइलों को भी मिनटमैन परमाणु मिसाइलों को दुश्मन पर दागने का संदेश भी E6B मर्करी प्लेन से भेजा जा सकता है। इस प्लेन की फुल डिटेल की बात करें तो इसमें 22 क्रू मेंबर होते हैं। अधिकतम स्पीड 980 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एक बार में 12,200 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। लगातार 10 घंटे 30 मिनट की उड़ान भर सकता है। यूरोप में अमेरिका के सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार जर्मनी स्थित अमेरिकी यूरोपीय कमांड ने E6B मर्करी प्लेन के यूरोपीय देश आइसलैंड में उतरने की तस्वीर पोस्ट की है। अमेरिकी सेना की यही कमान रूस और तुर्की से लगे इलाकों में सुरक्षा और अन्य अभियानों को अंजाम देती है। अमेरिकी सेना ने ट्वीट करके कहा कि इस प्लेन ने यूरोपीय कमांड एरिया में अभियान चलाते हुए आइसलैंड में लैंड किया है। रूसी न्यूज वेबसाइट स्पुतनिक के मुताबिक आइसलैंड में अमेरिका के राजदूत और अज्ञात सैन्य और राजनयिकों ने इस प्लेन के चालक दल से मुलाकात की है। बहुत कम लोगों को पता है कि दुनिया में अमेरिका और रूस ही ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह का डूम्सडे प्लेन मौजूद है, जो अपने साथ संहार की इतनी बड़ी खुराक लेकर चलता है कि किसी भी वक्त परमाणु युद्ध भड़क उठे।
बाइडेन ने रूस की घेराबंदी के लिए पहले नेटो के सदस्य देशों में न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस मिसाइलों की तैनाती की है। पुतिन की परमाणु वाली धमकी पर खुद बाइडेन बयान दे चुके हैं कि वो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेते। और इसी के मद्देनजर अमेरिकी एयरफोर्स ने बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल, जर्मनी के बुचेल और रैमस्टीन, इटली के एवियानो और घेडी, नीदरलैंड्स के वोल्केल, तुर्की के इंसरलेक और यूके के लकेन हीथ में अपने परमाणु हथियारों को रखा है। यूक्रेन जैसे गैर एटमी देश के खिलाफ पुतिन अब तक एटम बम के इस्तेमाल से बचते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका और रूस दोनों एटम हमले के बिल्कुल नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। बाइडेन की सीक्रेट कीव विजिट के बाद रूस की बौखलाहट सातवें आसमान पर है, लेकिन अमेरिका ने किसी भी तरह की तैयारी में कोई कमी नहीं रखी है। ना ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कम कर रहा है, ना ही पुतिन को इतना भाव दे रहा है कि वो अमेरिका को डरा सके। E-6B मर्करी प्लेन की तैनाती इसका ताजा उदाहरण है। असल में ये महायुद्ध रूस बनाम यूक्रेन कभी रहा ही नहीं। रूस की टक्कर सीधे अमेरिका से है और इन दोनों देशों के पास बमों का इतना जखीरा है कि अगर फूटने शुरू हुए तो दुनिया 2-4 दिनों में शमशान में तब्दील हो जाएगी। न्यूक्लियर बमों की कई कहानियां टेलीविजन पर आप देख चुके होंगे और हर कहानी का सार यही मिलता है कि परमाणु बम अब फूटने ही वाले हैं। लेकिन इन कहानियों का कुल जोड़ ये होता है कि इनका मकसद सिर्फ दर्शकों के बीच खौफ भरना होता है। बेसिर पैर की इन रिपोर्ट से अलग आपको रूस और अमेरिका के बीच परमाणु जंग छेड़ने की सूरत में क्या होगा, इसकी बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट दिखाते हैं। रूस ने अमेरिका के साथ अपने परमाणु करार को तोड़ दिया है। दोनों देशों के बीच 2011 में न्यू स्टार्ट संधि हुई थी, तब ये सहमति बनी थी कि दोनों देश 2018 तक अपने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करेंगे और परमाणु परीक्षण से बचेंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यूक्रेन यात्रा से चिढ़े रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संधि से रूस के बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। इन दोनों देशों के पास दुनिया के लगभग 90% परमाणु हथियार हैं। पुतिन ने न्यू स्टार्ट संधि से बाहर निकलते ही ऐलान किया था कि हम संभावित सैन्य खतरों और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए अपने सशस्त्र बलों को विकसित और मजबूत करना जारी रखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 1 सितंबर 2022 तक अमेरिका के पास 1420 तैनात वॉरहेड और 659 स्ट्रेटजिक डिलीवरी सिस्टम तैनात थे। वहीं रूस के पास 1549 हथियार और 540 स्ट्रेटजिक लॉन्चर तैनात थे। वॉरहेड परमाणु हथियारों की संख्या होती है और स्ट्रेटजिक डिलीवरी सिस्टम में मिसाइल, परमाणु बम वर्षक, परमाणु पनडुब्बियां शामिल होती हैं। रूस के पास शस्त्रागार में 5,977 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 5,428 वॉरहेड हैं। मतलब अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर भिड़ंत पूरी दुनिया का ही काम तमाम कर देगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ना ही आपको इंटरनेट पर चलने वाली तमाम तरह की अफवाहों में फंसना चाहिए कि परमाणु युद्ध होने वाला है और विश्व का अंत तुरंत होगा। अमेरिका और रूस दोनों ही बहुत जिम्मेदार देश हैं और पूरी संजीदगी के साथ ही न्यूक्लियर ताकत को अब तक संभालते आए हैं। ये बात अलग है कि यूक्रेन युद्ध में कई बार ऐसे लम्हे आए जब हार के कड़वे स्वाद से पुतिन की परमाणु ग्रंथि जागृत हुई, लेकिन पुतिन ने धैर्य बनाए रखा, क्योंकि परमाणु युद्ध की सूरत में हमलावर का भी अंत हो जाता है और बच जाती है सिर्फ राख, जिसका रखवाला कोई नहीं होता। लेकिन युद्ध के दिनों में सेना और हथियारों की तैनाती रणनीति का हिस्सा होती है और आइसलैंड में जजमेंट डे प्लेन उतार कर अमेरिका यही बताना चाहता है कि पुतिन भुलाव में ना रहे, हम भी तैयार हैं। एक बार फिर अपना बारूद खाना खोल दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 400 मिलियन डॉलर यानी कि भारतीय रुपए में करीब 3,270 करोड़ रुपए के नए राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें बम बारूद से लेकर घातक रॉकेट लॉन्चर तक
शामिल है। मैदान में डटे ज़ेलेंस्की के जाबाजों के लिए नाटो देशों ने वो सब किया जिसकी मांग ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने की। फ्रांस से मिसाइलें मिली, ब्रिटेन से गोला बारूद मिला, जर्मनी से टैंक मिले और अमेरिका ने तो जैसे अपने बारूद खाने की चाबी ही ज़ेलेंस्की के हाथ में दे दी हो। मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद, टैंक, लॉन्चर, ड्रोन, वो सब हथियार बाइडेन ने यूक्रेन की सेना को दिए जिससे वो रूस के खिलाफ चढ़ाई कर सके। और अब एक नया राहत पैकेज यूक्रेन के लिए जारी किया गया है। दावा है कि व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के लिए $400 मिलियन के नए राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। इस नई मदद में रॉकेट लॉन्चर भी है, गोला बारूद भी है और मेडिकल सुविधाएं भी हैं, जो युद्ध के एक साल पूरा होने के बाद भी यूक्रेन की जमीन पर डटे यूक्रेन के सैनिकों का हौसला बढ़ाएगा। Today, the Biden-Harris administration is announcing its 33rd security assistance package for Ukraine using presidential drawdown authorities as we continue to surge weapons and equipment that Ukraine needs to defend itself against Russian aggression. पिछले राहत पैकेज में अमेरिका ने यूक्रेन के सैनिकों को पैट्रियट ट्रेनिंग और पैट्रियट सिस्टम की सप्लाई का दावा किया था। ट्रेनिंग अमेरिका में भी जारी है। पैट्रियट को यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पैट्रियट के यूक्रेन की जमीन पर सेट होते ही रूस की सेना का कीव घुसना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि पैट्रियट मिसाइल दुनिया की बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट्स को नष्ट कर सकती है। पैट्रियट 150 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को तबाह कर सकती है। पैट्रियट मिसाइल के एक ट्रक में 8 लॉन्चर होते हैं। पैट्रियट सभी मौसमों में काम करने में सक्षम है। नए राहत पैकेज में हिमार्स का भी जिक्र है, जो आग उगलने के लिए जाना जाता है। हिमार्स की एक मिसाइल जिस जगह पर गिरती है खंडहर बना देती है। हिमार्स की मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर तक है। हिमार्स का वजन बेहद कम है, जिस वजह से हिमार्स को लाना ले जाना आसान है। हिमार्स के एक सिस्टम में 6 रॉकेट लॉन्चर होते हैं जिनकी लंबाई लगभग 7 मीटर की है। हिमार्स के हमले ने रूस को बहुत परेशान किया है। खेरसोन से भी रूस को इसीलिए पीछे हटना पड़ा क्योंकि यूक्रेन ने हाइमार्स के इतने रॉकेट बरसाए कि पुतिन की फौज उनके सामने टिक नहीं पाई। अब बाकी इलाकों में भी ज़ेलेंस्की के जवान डटे रहें, इसके लिए बाइडेन अपना बारूदी गिफ्ट भेज रहे हैं।